Hi everybody and welcome to my YouTube channel. My name is Ananya Kumar, and in this particular video series, we are going to study comparative law, which is your unit 10 of your NTN syllabus. And in this particular lecture, we are going to study the relevance, the methodology, and the concerns that are there in comparison. What is comparative law? Comparative law, in the simplest manner, can be understood as the differences and the similarities between two or more legal system kinhi bhi do ya do se zyada legal systems ke beech mein kya kya differences hain ya unke beech mein kya kya similarities hain uski padhai ko hum comparative law kehte hain now in furtherance, ends comparative law jab hum padhte hain about the differences and about the similarities of the different legal system तो हमें आइडिया लगता है कि वो पर्टिकुलर लीगल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है और उस लीगल सिस्टम का जिस तरीके से वो क्रिएट uh, हुआ है उसका इफेक्ट क्या है उस पर्टिकुलर कंट्री पे सो बेसिकली यू कैन से दैट इट इज द स्टडी ऑफ द इनर वर्किंग ऑफ योर फॉरेन लीगल सिस्टम अब ये जो कंपैरेटिव लॉ है ये फेमस होना शुरू हुआ था या ये और स्ट्रेंथन होना शुरू हुआ था फ्रॉम द नाइनटीन सेंचुरी और इसका प्राइमरी गोल था द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन लॉ ऑफ माइंड नाउ आफ्टर योर वर्ल्ड वॉर्स हमारी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी एंड सिंस ऑल अदर कंट्रीज दे बिहेव इन अटन मैनर तो उस मैनरिज्म को समझने के लिए कि एक लीगल सिस्टम उन्होंने किस तरीके से डेवलप किया उसके पीछे क्या रीजनिंग थी और क्यों किया गया वो ऐसा ये सब समझने के लिए कंपैरेटिव लॉ और ज्यादा स्ट्रेंथन होना शुरू हुआ एंड नाउ इट इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ अब इसकी रेलिवेंस के बारे में हम जानते हैं एज आड बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी हमारी इंटरनेशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए एंड टू अंडरस्टैंड ऑल दोज इंटरनेशनल कनेक्शन कनेक्शन हमारा कंपेरेटिव लॉ को पढ़ना और भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया फॉर एग्जाम्पल कंपेरेटिव लॉ हेल्प करता है किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी टूरिस्ट को एक बेटर आइडिया लेने में अबाउट द वर्किंग ऑफ द अदर कंट्री एज वेल एज ये हेल्प करता है हमारे अपने कल्चर को समझने के लिए जैसे कि वेन एवर वी इंडल्ज इन एनी रिसर्च वर्क हम हमेशा एक कंपेरिटिव एनालिसिस देते हैं वेर इन वी टॉक अबाउट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एंड हाउ डू दे रियक्ट टू अ पर्टिकुलर लॉ और हाउ डू दे रियक्ट टू अ पर्टिकुलर क्राइम एंड उसके पीछे की उसकी रीजनिंग क्या है

सो देअर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के टाइम में तो इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट नाउ द मेथडॉलॉजी की बात अगर करें तो कंपेरिटिव लॉ मस्ट है वेरी साउंड मेथडोलॉजी नाउ वॉट इज द साउंड मेथडोलॉजी इट इज नथिंग बट जस्ट अ प्रॉपर रिसर्च वर्क विच नीड्स टू बी कैरिड ऑन टू अंडरस्टैंड कंपेरेटिव स्टडीज ना फंडामेंटली ये मेथडोलॉजी दो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज uh, में डिवाइडेड है द फंक्शनल एंड द कल्चरल मेथड उसको इन फर्दरेंस मैंने और अलग अलग कैटेगरीज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है लाइक द डायनामिक डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी फंक्शनल टेक्सचुअल वर्सेस कंटेक्सचुअल एंड द कॉमन कोर मेथड अब फटाफट इनको हम शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं कि ये है क्या सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल मेथड की तो फंक्शनल मेथड ये कहता है कि जो सोसाइटी है सारी की सारी सोसाइटी एक सेम एसेंस में एक सेम अप्रोच के साथ किसी भी सोशल प्रॉब्लम को डील करती है बेसिकली so ये लॉ को समझने की कोशिश करता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू। फिर बात आती है कल्चरल कंपैरिजन की कल्चरल कंपैरिजन ऑन द अदर हैंड बोलता है कि हम सिमिलैरिटीज को नहीं मानते जनरल लीगल कल्चर ऑफ हर कंट्री का लीगल कल्चर इज गोइंग टू बी डिफरेंट सो द मेंटालिटी जो है जो एक लीगल सिस्टम जिस तरीके से बना है वो सिर्फ और सिर्फ उसके कल्चरल बैकग्राउंड को देख के बनाया गया है देयरफॉर हर कंट्री का तरीका किसी चीज को डील करने का अलग होएगा। देन कम्स योर हिस्टोरिकल अप्रोच ये सिर्फ आपकी कस्टमरी लॉज के बारे में पढ़ाई करता है कि हिस्टोरिकली उस पर्टिकुलर एरिया के लॉज क्या क्या थे उसके बाद एवोल्यूशनरी अप्रोच आया जो कि इवॉल्व हुआ फ्रॉम द हिस्टोरिकल अप्रोच इट्स और ये फोकस करता है कि जो लॉज हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुए फ्रॉम द कस्टमरी लॉज दैट वर ऑलरेडी प्रेजेंट फिर एनालिटिकल अप्रोच बोलता है कि जो है उसे समझना है कि वो क्यों है बाय द वे ऑफ एनालिसिस और एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन के बाद ही हम एक रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश कर पाएंगे कि लॉ जो है वो कैसे इन व्हाट वे लॉ इज गोइंग टू बिहेव इन द पर्टिकुलर एरिया फिर आता है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच डिस्क्रिप्टिव अप्रोच एज दॉ क्या है एट प्रेजेंट लॉ क्या काम कर रहा है बाई द वे ऑफ फैक्ट फाइंडिंग बाई द वे ऑफ सर्वेज एक्सट्रेक्टा टेक्सचुअल वर्सेज कॉन्टेक्सचुअल दैट इज लॉ इन कॉन्टेक्सट ये सीधे सीधे ये बोलता है कि लॉ टेक्स्ट बुक्स ने क्या लिखा है बैराक्स में लेजिसलेटर्स ने किस तरीके से लॉ को बनाया एंड इन रियालिटी उस लॉ को किस तरीके से यूज किया जा रहा है उसके बाद आता है आपका कॉमन कोर मेथड कॉमन कोर मेथड एक तरीके से एमेलगमेशन है फंक्शनल और कॉन्टेक्चुअल मेथड का और ये बात करता है कि सोसाइटी किसी पर्टिकुलर क्राइम को किस तरीके से डील करती है या किसी पर्टिकुलर इशू पे किस तरीके से डील करती है और प्लस एट प्रेजेंट हमारे पास क्या क्या लॉज हैं और हम उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ये सारी चीजों को समझना अगर हम ये वाला मेथड यूज करते हैं इस कॉल्ड एज योर कॉमन कोर मेथड फाइनली वी हैव द डायनामिक अप्रोच और द फॉर्मेंट मेथड अब फॉर्मेंट्स ऑफ लॉ एक ऐसा ग्रुप है जो कि काम करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लॉ इसका मतलब ये इवॉल्व होते हैं इनवॉल्व होते हैं इन द एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग द लॉ इसके तीन मेन पर्सनल uh, या पार्टिसिपेंट्स हैं दैट इज योर प्रैक्टिसिंग लॉयर द लीगल पॉलिसी मेकर्स जिसमें आपके लेजिस्लेटर्स जजेस अपर लेवल एडवाइजर्स सब आ गए एंड यू हैव योर लीगल स्कॉलर्स इनका काम ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लॉस क्या हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं एंड उनके अंदर ही क्या क्या चीजें हैं इन सारी बातों को एनालाइज करना और फिर प्रेजेंट करना इज द इंस्टिट्यूशनल एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग लॉ तो डायनामिक अप्रोच जनरली हर कंट्री एक तरीके से अप्लाई कर रही है इन अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ देयर ओन कंट्रीज जैसे हम सब जानते हैं कि भाई लॉयर जो है दे स्टडी द लॉ दे अंडरस्टैंड द लॉ इन बिटवीन की क्या दिक्कतें हैं एंड विद इन द डॉक्यूमेंट ऑल्सो दे स्टडी की क्या क्या सारी चीजें हो सकती हैं सो दीज वर द फ्यू अप्रोचेज और द मेथड्स ऑफ लॉ ऑफ कंपेरेटिव एनालिसिस इसके बाद आता है द कंसर्न दैट आर देयर इन कंपेरिजन ना ये जो कंपेरेटिव लॉ है हमने पढ़ा कि ये शुरू हुआ विद द व्यू ऑफ कॉमन लॉ ऑफ माइंड लेकिन आप कभी भी किसी सोसाइटी को अगर कंपेयर करते हैं तो आप उसको हॉरिजोनटली नहीं कंपेयर कर सकते बिकॉज दे के नॉट बी सेम इन एवरी एस्पेक्ट देरफोर आप कंपेरिटिव लॉ को एक वर्टिकल मैनर में ही सिर्फ कंपेयर कर पाएंगे या करना चाहिए सो इट दूव टू बी वेरी फ्रूटफुल दूसरा सीधे सीधे कंपेरिजन नहीं कर सकते एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए एज आई सेट दैट मेथडोलॉजी हैजू बी अ वेरी साउंड मेथोडोलॉजी एंड ओनली एंड ओनली वेन यू हैव दिस्टमैटिक अप्रोच तभी हम किसी स्टेट को समझ सकते हैं और उसके बाद ही हम उसको कंपेयर कर सकते हैं थैंक यू सो मच आई होप द वीडियो वॉज ऑफ हेल्प टू यू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आईकन बाय